तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का पीआरके म्यूजिक क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम देसी तरीके से हारमोनियम पर स्वर ज्ञान सीखेंगे। कोई नियम इसमें लागू नहीं होगा, जो हमारे दिल में आएगा वो स्वर हम लगाएंगे और जो हमारे दिल में आएगा वो हम गुनगुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है, कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिल सके। सबसे पहले अगर हम स्वरों की बात करें तो सभी शुद्ध स्वरों में हम आज का ये लेसन करेंगे। जो स्वर हम प्रयोग में लेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। तार सप्तक में हम सा रे गा तक के स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। मंद्र सप्तक में नी धा और पा, इन स्वरों का हमें प्रयोग करना है। कोई नियम इसमें लागू नहीं होता है। सा से आप गा लगा सकते हैं, गा से आप रे पे भी आ सकते हैं, या गा से आप मा लगा सकते हैं या पा लगा सकते हैं, पा से नी पे जा सकते हैं या पा से आप रे पे आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोई नियम इसमें लागू नहीं होता है। जो हमारे दिल में आएगा वो स्वर हम लगाएंगे और जो हमारे दिल में आएगा वो हम गुनगुनाएंगे। तो किस तरह से करना है, स्वरों को मिलाकर हरे कृष्णा, या चार पांच स्वरों के साथ में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों, इस तरह से अगर आप रियाज करते हैं तो स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है वो आपको समझ में आएगा। स्वरों के बीच में जो दूरी होती है वो आपको समझ में आएगी किस तरह से हरे करते हैं तो खुद से
गाना निकालने में आपको बहुत मदद मिलती है। जैसे एक भजन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक भजन है, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो इसमें फिंगर एक्सरसाइज किस तरह से होगा? तो इस तरह से अगर आप फिंगर चलाते हैं एक बार दो बार या तीन बार भी किसी स्वर को दबाना पड़ सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिना स्वरों को क्रमानुसार लगाए जो आपके दिल में आता है वो स्वर दबाकर फिंगर एक्सरसाइज करें ताकि गाने और भजन निकालने में आपको आसानी रहेगी। और किस तरह से आपको स्वर ज्ञान करना है, आकार और हमिंग में जरूर रियाज करें। जल्दी से हारमोनियम पर स्वर ज्ञान सीख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हारमोनियम सीखने का कोई शॉर्टकट तरीका तो होता नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, हारमोनियम के साथ समय बिताते हैं, स्वरों के उतार चढ़ाव को समझने का प्रयास करते हैं, उतना ही जल्दी आप हारमोनियम सीख पाते हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट लेसन। कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।